हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक गाजर की सब्ज़ी। और गाजर की सब्ज़ी ये थोड़ा अलग हटके है। सब लोग मटर गाजर बनाते हैं, आलू गाजर बनाते हैं, लेकिन मैं आज अपने तरीके से सब्ज़ी बना के बताऊँगी आपको। और ये फ्रेंड बहुत टेस्टी लगती है, और इस सब्ज़ी को जब आप बनाकर खाएंगे एक बार तो आप कद्दू भी खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या चाहिए। इसे मुझे मैंने ये 3-4 गाजर लिए, छोटी कच्ची कच्ची जो होती हैं, ज़्यादा मोटी गाजर नहीं लेनी है। और ये कुछ खटाई ली हुई है आम की, 2-3 फाँक, और धनिया बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। और बाकी कुछ जो मेन मसाले होते हैं, हल्दी मिर्चा, बस वही चाहिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने सरसों के तेल डाल के, मिर्ची हींग डालने के बाद मैंने इसको गाजर डाल दी थी। और गाजर डाल के अब मैं हल्का सा इसे चलाऊंगी। एक मिनट तक इसमें हम डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डालूंगी, और 1/2 टेबल स्पून डालूंगी सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून में डालूंगी मैं मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। हल्का सा हम चलाएंगे, और जो गाजर हमारी भुन रही है उसी के साथ मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा, बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी इसमें जो हम सौंफ डाली हुई है उससे। तो फिर फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी ये 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें, यानी 1 टेबल स्पून नमक डाला। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें कि आप जैसे आपने सब्ज़ी बनाई है कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप डालें। और इसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी, अदरक मिर्ची का पेस्ट। फ्रेंड मैंने पेस्ट डाल दिया है। फ्रेंड्स इसमें हम अब 1-2 सीटी लगाएंगे। फ्रेंड 2 सीटी आ चुकी है, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। गई है, देखिए अच्छे से गल चुकी है सब्ज़ी 2 सीटी में। अभी फ्रेंड्स मैंने ये खटाई रखी हुई थी 2 पीस निकाल के, ये मेरी आम की कैरी वाली खटाई है, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये मैंने खटाई डाल दी है, इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है, तो कुकर में ही मुझे इसे इस तरह से तोड़ना होगा। वैसे इसे आप पानी में डाल के मैश करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से किया है। अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच चीनी, ये देखिए। चाहे तो इसे ऐसे पीसेस में भी रख सकते हैं आप, चाहे तो इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा मीठा। ये देखिए 1-2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी अभी। फ्रेंड्स एक 1.5 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए, और फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए ये सब्ज़ी तैयार है। अब मैं इसे गैस बंद करके बॉल में निकाल लेती हूँ। अब इसे हम धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे।
बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी खाने में, एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। कमेंट्स करके फ्रेंड ज़रूर बताया करें कि मेरी इस रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक यू फ्रेंड्स।